नीट 2021 पीजी काउंसलिंग में देरी और गैर इमरजेंसी ड्यूटी को वापस लेने के लिए देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में भी दो दिन से दो घंटे की हड़ताल कर डॉक्टर विरोध जता रहे थे। वहीं बुधवार को रेजिडेंट डॉक्टर काम ठप कर पूरे दिन की हड़ताल पर चले गए और आईजीएमसी के बाहर मौन प्रदर्शन किया और नीट 2021 पीजी काउंसलिंग जल्द करवाने की मांग की। वहीं हड़ताल के चलते बार्डों में ना तो सुबह मरीजों की जांच को लेकर डॉक्टर राउंड पर पहुंचे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गईं। आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आईजीएमसी महासचिव अक्षित पुरी ने कहा कि दो दिन से पीजी काउंसलिंग को लेकर दो दिन से हड़ताल चल रही थी और आज पूरे दिन की हड़ताल पर रहने का फैसला लिया गया है और इस दौरान ओपीडी और ओटी में कोई सेवाएं नहीं दी जाएंगी, केवल इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही। उन्होंने कहा कि नीट पीजी परीक्षा जनवरी में होती है और ये सितंबर में करवाया गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई गई। रेजिडेंट डॉक्टर मानसिक और शारीरिक तौर पर बोझ तले दबे हुए हैं और कुछ घंटे ही आराम कर पाते हैं, जबकि उन्हें कई कई घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में फैसले में चल रही देरी के कारण भी डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही कोरोना संक्रमण चल रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कोविड फंड जारी करने की मांग की थी, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। ये हमारा तीसरा दिन है आज विरोध प्रदर्शन का। ये जो नीट पीजी में काउंसलिंग में डिले हो रहा है, उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। पिछले दो दिन हमने दो दो घंटे का विरोध किया, लेकिन आज हम पूरे दिन कर रहे हैं। पिछले दो दिन से अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि नीट पीजी काउंसलिंग इन्होंने फास्ट करने के लिए कुछ किया हो। इस समय दिल्ली में जो है एमरजेंसी बंद कर दी गई है, राजस्थान में एमरजेंसी बंद है, आज जीएमसीएच 32 में भी एमरजेंसी बंद है, भाई कई राज्यों में बंद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है एमरजेंसी बंद नहीं हो, ठीक है, पेशेंट इस तरह से सफर ना हो। इस समय हमारे साथ एक प्रशिक्षु डॉक्टर जो एमरजेंसी ड्यूटीज पे हैं, वो एमरजेंसी देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर ने और ओपीडी संभाली हुई हैं। अभी तो से पूरी कोशिश करेंगे, जैसा मैंने बताया, मरीजों को क्लस्टर नहीं हो। एमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से चालू हैं। जो हमारे प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, जिनकी एमरजेंसी ड्यूटी है, वो एमरजेंसी ड्यूटी अभी दे रहे हैं, अभी एमरजेंसी चली हुई है और ओपीडी में सीनियर डॉक्टर अभी बैठे हुए हैं, अभी पेशेंट वहाँ भी देखे जा रहे हैं। ये जनवरी में हमारा पेपर होता था, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से ये डिले होके अप्रैल में शेड्यूल हुआ, लेकिन ये अप्रैल में भी कराया नहीं गया क्योंकि उस समय भी कोविड की पीक थी। फिर इन्होंने इसको रीशेड्यूल किया, ये रीशेड्यूल हुआ सितंबर में। फिर सितंबर में इसको करने के बाद कहा गया था हमें कि काउंसलिंग जो है फास्ट प्रोसेस से की जाएगी, लेकिन इन्होंने बीच में काउंसलिंग को भी रोक दिया गया। ये काउंसलिंग इससे रोकी क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है उसको जो है फिर से रिवाइज करने के लिए कहा गया, तो इसके लिए तीसरी हियरिंग जो है 6 जनवरी की दी गई है। तो हम चाहते हैं वो हियरिंग जल्दी हो और काउंसलिंग प्रोसेस चलती रहे। काउंसलिंग प्रोसेस चलना बहुत ज़रूरी है। इस समय यहाँ पे इतना ओवरबर्डन हो चुका है, अभी कोविड का नया स्ट्रेन भी आया है जैसा आपको पता है, और इस समय उस स्ट्रेन से हम कैसे लड़ सकते हैं? डॉक्टर्स की वैसे ही देश भर में कितनी कमी है, और सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि अगले डॉक्टर्स को लाने में डिले करे, जबकि अभी कोविड-19 चला है और ऐसे ही देश में डॉक्टर्स की कमी है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।